हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। सो आप सभी कैसे हैं? सो बच्चों, अब आप लोग सभी नई नई क्लासेस में आ चुके हैं, तो वेलकम इन न्यू न्यू क्लासेस। एंड आज हम अपना चैप्टर वन शुरू करेंगे। सो आज साइंस का चैप्टर वन करेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। इसमें हम बच्चों क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ टाइप ऑफ रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। कुछ कॉजेस पढ़ेंगे, कैसे क्या रिएक्शन होते हैं। कुछ कॉमन नेम्स पढ़ेंगे रिएक्शन के। एंड पहली बात कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है वो समझेंगे। सो पुरानी क्लासेस में हमने दो लॉ पढ़े थे इस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। सो बच्चों, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। सो ये लॉ आपका यहाँ पे जो है दो तीन जगह पे आपका जो है अप्लाई होगा, तो आपको इसकी जो है ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आपका पहले क्या कहा गया है, आपको आपने पढ़ा था ना इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, आपको इन थिंग्स को देखना है, सिचुएशंस को देखना है, और उसके बाद ऑब्जर्व करते हुए बताना है क्या होगा। तो मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, जब समर्स में मिल्क को रूम टेम्परेचर में रखा जाएगा तो क्या होगा, ग्रेप्स कैसे फर्मेंटेड होंगे, एक आयरन तवा पैन नेल, अगर आप इसे ह्यूमिड एटमोसफेयर में छोड़ देंगे तो क्या होगा, रस्टिंग। फूड जब कुकड हो जाता है तो क्या होता है, कैसा होता है, फूड गेट्स डाइजेस्ट कैसे होता है, वी रिस्पायर कैसे होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं प्रोडक्शन में वो बतानी। जैसे हम लोगों का फूड जब डाइजेस्ट होता है तो उसमें क्या फॉर्म होती है, एनर्जी फॉर्म होती है। तो अब आगे क्या कहा गया, इन ऑल द अबव सिचुएशंस, जो आपने सिचुएशंस देखी आपने देखा होगा इनमें कुछ चेंजेस हुए है ना। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। सो अब यहाँ पे बात करते हैं, फिजिकल चेंज वो होते हैं जिनकी शेप और इन सब में चेंज आता है, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज आते हैं, और ये रिवर्सिबल होते हैं कि दोबारा प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। लाइक हमारा होता है आइस, आइस वाटर भी बन सकता है और वाटर दोबारा भी आइस बन सकता है। एंड केमिकल में बात करें, केमिकल चेंज में क्या होते हैं, लाइक आप लोग देखते होंगे खाने का पकना, कुक्ड फूड, तो कुक्ड फूड में आपका ये होता है। तो जब खाना पक जाता है तो वो दोबारा आपके कच्चे फूड में आ सकता है। अब जब आप लौकी की या फिर किसी चीज़ की सब्जी बना लेंगे, वेजिटेबल जो है आपकी रॉ वेजिटेबल आ सकती है, नो। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। सो हमने क्या देखा, जितने भी हुए आपके ऊपर इन सभी में केमिकल चेंज आया। क्या आया, केमिकल चेंज आया। तो यू मे परहैप्स बी वंडरिंग, आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन होते क्यों हैं और ये कैसे नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। सो ये आप चिंता मत करिए, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 1.1 दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्निंग की गई है एक मैग्नीशियम रिबन की एयर में, देख सकते हैं। एंड यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड वॉच ग्लास में। तो ये जब कटोरी टाइप की दिख रही है, वॉच ग्लास है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है गिर रहा है। ये टोंग है, चिमटा, एंड ये मैग्नीशियम रिबन को इसमें पकड़ रखा है, और ये बर्नर है। तो यहाँ पे बर्निंग की जा रही है, सो इससे ये हो रहा है। अब आपको क्या कहा गया, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन्स बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, कि आप लोग देखेंगे जब इसे आप ऑब्जर्व करेंगे, आपके टीचर्स ने देखा होगा, करवाया होगा आपको लैब में, या फिर आप लोग अगर करके भी देखते हैं, कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैग्नीशियम का रिबन आपको ईजिली अवेलेबल होता है, एंड आप कोई भी वाइट जो है ले सकते हैं। सो आप देखेंगे जब ये बर्न किया जाएगा तो इसमें वाइट फ्लेम बनेंगे, ये देखिए वाइट फ्लेम्स ऑब्टेन हो रहे हैं, साथ में
कुछ पाउडरी सब्सटेंस है वाइट कलर का, जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म, ये फॉर्म्ड हो रहा है रिएक्शन की वजह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन की मदद से होती है आपकी जो फायर है, तो इसीलिए इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो अब हम आगे पढ़ते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन हम कैसे पता चला लगा सकते हैं कि हाँ भाई कुछ रिएक्शन है और कुछ नई चीज़ बनी है। आपके आसपास कहीं से रिएक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है, क्या यहाँ पे आपका दिया गया है, कोई भी आप जो है आयरन का नेल वगैरह, यानी कि आयरन की कील वगैरह को आप रख दें ह्यूमन में, तो जंग लग जाएगी। आपको कैसे पता चला? रिएक्शन में चेंज, कलर में चेंज हुआ है ना, और साथ में उसका कलर चेंज हुआ और उसमें जंग टाइप की आपको मिली। सो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनकी मदद से आप लोग जो है बता सकते हैं कि कोई चेंज हुआ है। तो पहला क्या होता है, चेंज इन स्टेट होता है। क्या होता है? चेंज इन स्टेट होता है। तो स्टेट में चेंज आप लोगों को पता है कैसा होता है? जैसे कि आप कोई भी केमिकल ले लीजिए, स्टेट में चेंज हो जाता है ना। जैसे कि गैस मिल जाना, या दो सॉलिड लिए कोई लिक्विड मिल जाना, कुछ इस तरह का जो चेंज होता है ये आपका क्या कहलाता है, चेंज इन स्टेट होते हैं। फिर चेंज इन कलर, तो यहाँ पे आपका रस्टिंग का एग्जांपल जो है हम लोगों ने आपको दिया था। तो अब आगे क्या कहा गया है, आगे आपका कहा गया है एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस है मतलब गैस का रिलीज होना, है ना। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस आप लोग किस में देख सकते हैं? आप लोग जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें देख सकते हैं। साथ में कार्बोनिक एसिड में मिल जाएगा आपको चेंज। तो जहाँ पे भी हीट या फिर गैस रिलीज हो रही हो कोई, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस कहला देता है वो। अब अगला है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज भी आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। टेम्परेचर का चेंज भी आपको बहुत सी जगह आपको देखने को मिल जाता है। चेंज इन टेम्परेचर कैसे? कभी आप दो चीज़ें ली, एकदम से रिएक्शन हुआ और वो इतना गर्म या इतना ठंडा हो गया कि आपसे छुआ भी नहीं जा रहा, तो आपने क्या पता लगाया कि भाई अब तो यहाँ पे कोई रिएक्शन हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर। एक और होता है चेंज इन प्रेसिपिटेशन। आपको यहाँ पे गिवन नहीं है पर आपको याद रखने है ये पांच। तो चेंज इन प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व ना हो, वो एक पाउडरी फॉर्म में जो है आपको बच जाए वहाँ पे, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं प्रेसिपिटेशन का कहते हैं। सो ये हो गया आपका। अब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डिल्यूट सल्फ्रिक आप लोग देख सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो हमारी केमिकल इक्वेशंस होती क्या है? तो एक्टिविटी 1.1, फिर से लौटते हैं वहीं पे। एक्टिविटी 1.1 ये रही आपकी, ये एक्टिविटी 1.1 है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, दैट व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न किया जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अगर हम लोग इसको फुल लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बहुत लंबा सा रिएक्शन हो गया। तो जो इस लेफ्ट वाली साइड पे होते हैं हमारे, ये क्या कहलाते हैं, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं, जो कि रिएक्ट करते हैं। और उसके बाद जो मिलता है वो होता है प्रोडक्ट, जो कि इस तरफ लिखा जाता है, इस वाले हाथ की तरफ, राइट वाले की तरफ। तो इसको हम शॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, या आप देख सकते हैं कितना लंबा जा रहा है। तो इसको शॉर्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करके कोई भी आपकी जो है इसको लिखते हैं, कोई भी रिएक्शन है उसको ऐसे ही लिखते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, जब एक सब्सटेंस जाता है अंडरगो होता है केमिकल चेंज में इन द रिएक्शन, लाइक मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स थे। तो जो न्यू सब्सटेंस हुआ यहाँ पे, ये हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये हमको क्या मिला, एक प्रोडक्ट मिला। तो एक वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या कहा गया, जो एक वर्ड इक्वेशन है
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, इसमें एरो प्लेस की जाती है ताकि हमें पता चल सके कौन से रिएक्टेंट्स हैं कौन से प्रोडक्ट्स हैं। जब रिएक्टेंट्स होते हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन होता है जो कि बताता है इनको ऐड किया गया, इनको रिएक्ट किया गया, और इनको अलग अलग करने के लिए भी प्लस यूज होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन एक साथ लिख देंगे तो कुछ और ही समझ जाएगा बच्चा, तो इनको अलग अलग करने के लिए प्लस लिखते हैं, जो कि ये भी दर्शाता है दैट दे बोथ रिएक्ट, ये रिएक्ट करते हैं। एंड रिएक्टेंट्स LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड पे और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। एंड इनके बीच में प्लस का साइन और एक एरो होता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में। सो ये आपको बताया था कि ये केमिकल रिएक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं मेनली दो टॉपिक्स, रिएक्टेंट्स जो कि रिएक्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और रिएक्टेंट्स हमेशा LHS लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। सो इस तरह से आपको बताना है। अब राइट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं केमिकल इक्वेशन, तो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे, क्या कोई एक वे हो सकता है जिससे हम केमिकल इक्वेशंस को छोटा लिखें। तो सोचिए सोचिए सोचिए, जी हाँ क्या हो सकता है क्या हो सकता है, आप इन्हें एक सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, Mg में प्लस का साइन लगाओ, बीच में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में O2, तो यहाँ पे आपको एरो आता है देन, एंड फिर प्रोडक्ट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो आपको एक फॉर्मूला बनाना पहले भी बताया, क्लियर हो चुका था आपको वो 9th क्लास में। सो यहाँ पे आपने इतना समझ लिया, समझ लिया कैसे एक केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं सिंबल्स की फॉर्म में। सो अब यहाँ पे आप लोग इसे काउंट करें, कंपेयर करें, और नंबर ऑफ एटम आप लोग पहचान सकते हैं। तो अब आप क्या कह सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं इसमें, जैसे कि कहीं ट्राइंगल हो तो वो हीट का साइन होता है, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, आप अभी टेंशन मत लो, आप बस इतना याद रखो। सो अब आपको क्या लग रहा है, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो देखिए Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का तो एक एक है, एक एक है, दोनों एक एक है, बैलेंस्ड है। वही ऑक्सीजन देखे तो दो है और यहाँ एक है, तो ये बैलेंस्ड है, नहीं बिल्कुल बैलेंस नहीं है। तो देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, ये क्या है बच्चों, अनबैलेंस्ड है, क्योंकि जो मास है इसका ये बोथ साइड पे सेम नहीं है, दैट यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही है बल्कि यहाँ पे दो है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट बैलेंस्ड, एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब हम इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। सो जब भी कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है और रॉ फॉर्म में दी होती है तो उसको कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी ढांचा खड़ा कर दिया है, अब ढांचे के ऊपर कवर आपको करना है, यानी एक तरह से ढांचा बना के दे दिया आपको, ढांचे पे कवर आपको चढ़ाना है, और उसके बाद ढांचे को एक इंसान यानी बैलेंस्ड इक्वेशन के रूप में बनाना है। तो आपको याद रखना है जब कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं होती देन दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। अब भाई एक प्रश्न उठता है, क्यों इम्पोर्टेंट है इनको बैलेंस करना, ढांचे के फॉर्म में स्केलेटल के फॉर्म में छोड़ देते भाई हम तो। तो बच्चों ये याद रखो, स्टूडेंट्स ये याद रखो, आपने एक लॉ पढ़े थे दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे फालतू के लो है, क्या काम है इनका जीवन में। सो ये लो यहाँ पे लग गया आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है, यानी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के। सो इन अदर वर्ड्स, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ईच एलिमेंट्स के सेम रहते हैं पूरी केमिकल इक्वेशन में। सो बच्चों आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमें इनको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट सेड द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब हैंस हम जो है इस बैलेंस करते हैं स्केलेटल इक्वेशन को। सो
अब बैलेंस करने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए, तो एक ले लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ले लिया इक्वेशन आपने, अब आपको इस वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है केमिकल इक्वेशन में। इसके लिए भाई आपको एक बात याद रखनी है, केमिकल इक्वेशन में प्लस एरो ये सब लगाना ना भूलें, क्योंकि ये नंबर कट जाएंगे आपके एनीवे में। तो अब आपको इस इक्वेशन में क्या करना है, इसको लिख देना है, इतनी बड़ी इक्वेशन को, इतनी बड़ी राम कथा को, एक शॉर्ट तरीके से सिंबल के फॉर्म में, Zn प्लस H2SO4 बना ZnSO4 प्लस H2, समझ। अब आपको देखना है एलिमेंट्स क्या क्या है, सिंपल है, Zn जिंक है एक तो, देन H2 हाइड्रोजन है, फिर SO4 सल्फर है, तीन है, और O ऑक्सीजन है। तो क्या क्या है, जिंक हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं रिएक्टेंट्स के, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले कितने हैं, यहाँ पे आपको देखना है, पहले जिंक का कितना है, एक ही है, देन H2 लिखा है नीचे, तो इसका मतलब दो है हाइड्रोजन के, देन S भी एक ही है, एंड O4 में नीचे 4 है, तो इसका मतलब 4 एटम्स हैं। अब एटम्स क्या है प्रोडक्ट्स में, तो प्रोडक्ट्स में जिंक का कितना है, एक ही है, तो इसका मतलब जिंक तो भाई बैलेंस है। अब आगे बात होती है किसकी, यहाँ पे अब आगे बात होती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के भी दो हैं, सल्फर के भी एक है, ऑक्सीजन उसके भी चार है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें एक चेंज करके भी देखनी चाहिए भाई, बहुत टाइम हो गया, हमें भी तो कुछ सीखना चाहिए। तो Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2, तो यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीन है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने का पहला स्टेप क्या होता है, तीन बॉक्सेस आपको बनाने हैं, या आप पेपर में नहीं बनाएंगे, आप मन में करेंगे, क्योंकि आपको शुरू शुरू में बनाने हैं, देन कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरह के दो तीन क्वेश्चन आएंगे और वन मार्क करके आएंगे आपके। सो इसीलिए आपको इतना मतलब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए आपको लिखने कितने एलिमेंट्स हैं, तो Fe आयरन के एक है यहाँ पे, H2O में H2 यानी हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन का एक है, बल्कि रिएक्शन में देखें तो इसके Fe3O4 Fe यानी आयरन के तीन है, बल्कि यहाँ पे तो बेचारा एक ही बचा है ना, हाइड्रोजन देखें तो दो है, हाइड्रोजन तो वही बैलेंस्ड है, फिर ऑक्सीजन देखें तो चार हो गए, तो एक तीन एक चार, इनको बैलेंस करना है। तो इट इज़ ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सबसे पहले ये कहा गया है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम हो पहले आप उसे बैलेंस कर लो, क्योंकि उसे बैलेंस कर ली तो हो सकता है छोटे वाले की समस्या अपने आप फेल हो जाए और वो सेटिस्फाई हो जाए, तो इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। अब आपको बैलेंस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे पहले हम लोग करते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का एक चार वाला है, तो अब यहाँ पे आपके चार है प्रोडक्ट्स में, तो आपको रिएक्टेंट्स में भी चार करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, तो एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे आपके, कुछ इस तरह से बन जाएंगे, Fe4H2O Fe3O4H2। अब तो और भी गड़बड़ हो गई भाई आपकी, क्या गड़बड़ हो गई बताओ, ऑक्सीजन तो हो गया फुलफिल, अब हाइड्रोजन ज़्यादा बढ़ गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4×2, प्लस नहीं करना कभी भी, 4×2 करना है, 4×2 ये नीचे वाला, तो कितना हो गया 8 हो गया, 4×2 8, तो 8 हो गए एटम, अब यहाँ पे 8 हो गए, तो अब यहाँ पे H2 में 4 कर देने हैं, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, अब ये इक्वल हो गए हाइड्रोजन के एटम और किसके, अब आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सेम हो गए। सो अब इसको करते हैं Fe+4H2 प्लस इनटू ये क्या बना Fe3O4+4H2, तो ये बन गया। अब क्या दिक्कत है, अब भाई
हमें क्या फुलफिल करना है, आयरन को भी करना है। तो एग्जमा इन दैब अब इक्वेशन, आपको एक और इक्वेशन देखनी है जो आपने ऊपर की, और थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसे फुलफिल करना है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, थ्री लग जाएगा। कहाँ लगेगा अब ये थ्री, कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, ये लगेगा रिएक्टेंट में। तो अब के आपके इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई, थ्री एफ ई, एफ ई थ्री बराबर तीन तीन, फोर एच टू, फोर एच टू आठ आठ बराबर, ओ फोर एच फोर एच टू ओ फोर सॉरी, तो ये क्या हो गए, चार चार आठ आठ तीन तीन हो गई बैलेंस्ड। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या मिली, थ्री एफ ई प्लस फोर एच टू ओ, ये बना एफ ई थ्री ओ फोर प्लस फोर टू। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई। सो अब आपकी कुछ और चीज़ें होती हैं इसमें जो आपको मेंशन करनी होती हैं, ये कुछ और होते हैं करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं फिजिकल स्टेट्स के जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए इन्हें समझते हैं। तो ये लिखना आपके लिए कभी कभी आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन में लिखना चाहिए, अगर आपको पता है तो ज़रूर लिखना चाहिए क्योंकि इनके मार्क्स होते हैं। तो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर आप अपनी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा मार्क्स का बनाना चाहते हैं तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आपको मेंशन करनी चाहिए, जैसे कि गैसियस, लिक्विड, एक्वियस एंड सॉलिड। गैसियस गैस वाली स्टेट, लिक्विड पानी वाली स्टेट, एक्वियस वाटर सोल्यूशन वाली यानी वाटर में मिक्स, सोल्यूबल हो किसी लिक्विड में कोई सॉलिड, वाटर ही नहीं है ज़रूरी, एंड सॉलिड स्टेट ठोस। तो सॉलिड लिक्विड गैस पता है एक्वियस होता है जब कोई चीज़ लिक्विड और सॉलिड जो है मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे वर्ड एक्वियस के लिए ए क्यू, गैस के लिए जी, लिक्विड के लिए एल और सॉलिड के लिए एस को लगाते हैं। तो अब आप इसमें लगाएंगे एफ ई, आयरन होता है, आयरन गैस होता है सॉलिड, तो एफ ई एस प्लस फोर एच टू ओ, दोनों गैस हैं तो जी एफ ई थ्री ओ फोर ये सॉलिड बनेगा प्लस फोर एच टू गैस बनेगा। तो इस तरह से आपकी जो है फॉर्म आउट हो गई। तो यूजुअली जो फिजिकल स्टेट्स हैं इनमें इंक्लूड नहीं होती कोई भी केमिकल इक्वेशन अनलेस ये नेसेसरी ना हो इनको स्पेसिफाई करना। तो समटाइम जो रिएक्शन की कंडीशंस है उसमें टेम्परेचर प्रेशर वगैरह भी पूछे जाते हैं और आप ये मेंशन भी कर सकते हैं, जैसे कि 340 एटीएम प्रेशर की आपकी जो है पास्कल होती है, पर यहाँ पे एटीएम का यूज होता है ना, एटीएम वो वाला नहीं पैसों वाला, एटीएम दूसरे वाला। तो सी ओ प्लस टू एच टू प्लस सी थ्री ओ एच, देख सकते हैं कैसे लिखी है। इस टाइप की इक्वेशन जो है आपकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। सो ये आपने अब ऑब्जर्व कर लिया। अब ये कुछ क्वेश्चन है, हम इन्हें भी सॉल्व करेंगे, आगे आगे आप लोग वीडियोस को देखते जाए हमारे चैनल पे और करते जाए। सो इतना हमने ऑब्जर्व किया, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कुछ रिएक्शन जो है एक तरह का नहीं होता, रिएक्शन के भी टाइप होते हैं है ना, तो इनको हम पढ़ेंगे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या होता है इसको पढ़ते हैं सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका ये और आने वाला भी होता है बहुत। सो सबसे पहले हमें कहा गया आपने क्या देखा, केमिकल ऑक्साइड को देखा जो कि रिएक्ट करता है वाटर के संग और स्लेट लाइम प्रोड्यूस करता है। अब केमिकल ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है भाई, क्विक लाइम के नाम से। तो जब इसके संग वाटर रिएक्ट करता है तो सी ए ओ एच टू बनता है, स्लेट लाइम बनता है और हीट बनती है। तो आपको याद रखना है, पता है इसकी खासियत बहुत है, जब ये बनता है ना तो इतनी हीट प्रोड्यूस कर देता है कि आप लोग बीकर को छू भी नहीं सकते, इतना गर्म हो जाता है भाई। मैं बता देता हूँ आपको, इसमें दो चीज़ें कॉमन याद रखनी है, पहले सी ए ओ क्विक लाइम, इसका कॉमन नेम क्विक लाइम है, वैसे ही कुछ और कहा जाता है, इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, बल्कि सी ए ओ एच टू या आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बल्कि इसका जो कॉमन नेम है जिससे मार्केट में फेमस है वो होता है स्लेट लाइम। तो जब आपकी वाइट वॉशिंग होती है उसमें सी ए ओ यानी क्विक लाइम, जिसको चूना कहते हैं हिंदी में, जब उसको पानी से मिलाया जाता है तो आपका स्लेट लाइम बनता है, और यही आपकी वाइट वॉशिंग में दीवारों पर लगाया जाता है।
तो ज़्यादा सरफेस की वजह से ये जो है जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इस रिएक्शन में आपने क्या समझा? दैट दो रिएक्टेंट्स ने मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट्स जो है रिएक्ट करके सिंगल कंपाउंड बनाए, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, इस तरह से आपको पूरा बताएंगे। तो ये आपको डिटेल में बताएंगे और इक्वेशंस आपको बताई गई हैं, आप इनको देख के बैलेंस भी कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड आगे भी आपको बताया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड यानी ये वाला रिएक्शन जिसमें हीट भी साथ में आती है, वो क्या कहलाते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सो एंडो दो होते हैं, आपको डिफरेंस याद रखना है। एक्सो फेंकना, बाहर की तरफ देना, तो प्रोडक्ट्स के संग। एंडो उपयोग करना, तो एक्सो एंडो ये क्या है? एक्सो है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन, ये दोनों भी क्या है आपके? ये दोनों भी आपके क्या है? एक्सोथर्मिक। तो आपको याद रखना है, ये आपको फॉर्मूला दे रखा है रेस्पिरेशन का, एग्जाम्स में बहुत ही कॉमनली पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। अगर आप इसी का उल्टा कर देंगे ना, तो एक फैक्ट है कि आपको फोटोसाइंथेसिस का जो है रिएक्शन बन जाएगा। आप देख भी सकते हैं, ये रिएक्शन आपका इसका और ये दे रखा है आपका फोटोसाइंथेसिस का। सो ये फैक्ट बहुत अच्छा है, आप लोग एक से ही दो दो याद कर सकते हैं। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हमने दो पढ़ लिए, एक तो एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। तो डीकम्पोजिशन क्या है? ये उल्टा ही आप समझ सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सो जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो हीट की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स में, जो कि सिंपलर हो यानी बहुत सारे मिले आपको अलग अलग, तो इसको कहते हैं आपका क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि लाइमस्टोन का हुआ, तो लाइम स्टोन आपका बनेगा क्विक लाइम और CO2 गैस, तो ये आपका होता है इस टाइप का होता है ये आपका। तो वह ना डीकम्पोजिशन रिएक्ट किया जाए, जब आपका डीकम्पोजिशन हीटिंग की मदद से हो, तो इसको थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, एंड इसका मेन एग्जाम्पल है आपका ये लाइम स्टोन, क्विक लाइम। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हीं टर्म्स पे बेस्ड है कुछ, क्विक लाइम, लाइम स्टोन, एंड इनके रिएक्शन कॉमनली आ भी जाते हैं। सो ये एक और रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं इसी से रिलेटेड। इसी तरह से आपको एक और दिया गया है, सनलाइट की मदद से भी हो सकता है। तो तीन तरीके हैं इसके, क्या क्या है? एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी से बनता है, दूसरा सनलाइट से बनता है, एंड तीसरा हीट से बनता है। तो तीन तरीकों से आप लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड का बनाया गया है, एंड किसका बनाया गया? ये सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हुए सनलाइट की मदद से। तो इसी तरह से आपका ये बेस्ड होता है। तो कितने रिएक्शन पढ़े हमने? दो। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा? रिएक्शन हीट की मदद से हो रहा है, तो हीट क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। तो ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। तो अब हमने एक और रिएक्शन पढ़ लिया एंडोथर्मिक, है ना। तो अब आपको ये टर्म्स को याद रखना है। मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी करता जा रहा हूँ, हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ कुछ मेन टर्म्स को, जो कि आपको अपनी नोटबुक्स में लिखनी है। नोटबुक्स में नहीं, आप बुक्स में मार्क कर सकते हैं हाईलाइटर से, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ। अगला रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है ये देखेंगे अब हम लोग। डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है एक टेबल होती है जब कोई एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, 8th में पढ़ा था, याद होगा आप सबको। तो जब एक आयरन नेल को हम लेते हैं और ब्राउनिश हो जाती है वो कलर में, एंड जो ब्लू कलर है उसका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, वो फेड होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ग्रे से ब्राउन हुई, ब्लू से फेड हो गया थोड़ा वाइटी टाइप का, मिल्की टाइप का। तो इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस्ड हो गई, आयरन को कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर में ज़्यादा होता है ना, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने क्या करा? आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। रिएक्शन क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम लिखेंगे जिंक प्लस
कॉपर सल्फेट, क्या बना? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक आ गया यहाँ पे और कॉपर चला गया बेचारा पीछे, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक ही मेटल ने डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। जब एक ही रिएक्शन में सिर्फ एक ही जो है आपका कंपाउंड वो हटे, ज़्यादा ना हटे, तो जब दो हटते हैं तो वो हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस इन देयर रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो है यहाँ पे आपको कुछ इनसल्यूबल फॉर्म भी मिलेगी देखने को, जैसे कि प्रेसिपिटेट। तो किसी भी रिएक्शन में जब कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि BaSO4 के रिएक्शन में आपको एक जो है आपको दिखने को मिलेगा एक प्रेसिपिटेट। तो ये थे आपके रिएक्शंस कुछ, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छे हैं ये भी। तो व्हेन द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर, तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से जब ये होता है तो इसकी वजह से जब ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है कॉपर में तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो देख सकते हैं 2Cu+O2 हीट की वजह से 2Cu बना। तो इफ हाइड्रोजन गैस को पास किया जाए COO पे तो एक ब्लैक कोटिंग जो है ये ब्राउन हो जाती है एज रिएक्शन का रिजर्व हो जाता है एंड जो कॉपर है वो मिल जाता है हमको। तो इस टाइप ऑफ जो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन इन सब का खेल होता है, ऑक्सीजन वगैरह का, तो ये कहलाते हैं हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जिसमें रिएक्शन में होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनके अंदर भी कुछ टाइप होते हैं तो हम इनको पढ़ते हैं। सो आइए पढ़ते हैं। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन मिलती है एक रिएक्शन में सो ये कहलाता है ऑक्सीडाइज रिएक्शन। एंड अगर वो ऑक्सीजन को खो देता है, जैसे कि इस रिएक्शन में उसने खोया, तो क्या होगा? ये होगा आपका रिड्यूस्ड। जब ऑक्सीजन खोएगी तो रिड्यूस कहलाएगा, जब ऑक्सीजन मिल जाएगी तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइज कहलाएगा। कोई मुश्किल टॉपिक ही नहीं आपका। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ऑक्सीडाइज रिड्यूस। आप इसे बार बार पढ़ेंगे ना सब रिएक्शंस को, एक बार जब मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा अपनी बुक से, तो आप रियली देखेंगे कि आपको ये पूरा जो है एक तरह से ना याद हो जाएगा, आपको कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। इतना तो याद रखो आप, इतना तो समझ ही जाओ आप, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हाइड्रोजन गेन होती है ऑक्सीजन में तो ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। इन अदर वर्ड व्हेन वन रिएक्शन ऑक्सीडाइज होता है तो अदर गेट रिड्यूस्ड। कैसे रिड्यूस्ड होता है? ऑक्सीजन खोया वो पाया, वो बोया वो पाया। तो इस तरह का रिएक्शन जो है क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ये आपने ऑब्जर्व किया, यही सब आपको बता रखा है कि कैसे जो आपका रिड्यूस्ड होता है ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो आप लोग पढ़ेंगे इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड इफ इट्स लॉसेस ऑक्सीजन देन इट्स इज रिड्यूस्ड। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो आपने कॉपर ऑक्साइड का देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन खोया है, रिएक्शन क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ। क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ आपका ये रिएक्शन। सो जब हाइड्रोजन मिलती है तो क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है। सो इस तरह होते हैं आपके ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस। इनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, है ना, इस फुल टर्म को। तो इन रिएक्शन जब कार्बन जो ऑक्सीडाइज होता है तो CO+ZnO मिलता है जो कि रिड्यूस्ड हो जाता है Zn में, तो O हट जाता है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन लॉस हुआ तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। इसी तरह से आप एग्जांपल्स पढ़ो बहुत सारे, आपको पूरा जो है क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब हैव यू ऑब्जर्व, अब हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपनी लाइफ में। कोरिजन यानी जंग लगना, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने देखा होगा दैट जो आयरन पार्टिकल्स हैं ये चमचमाते हुए होते हैं जब नए होते हैं,
बट कुछ समय बाद जब इनको हम कहीं रख देते हैं खाली, तो ब्राउन कलर की जंग सी चढ़ जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है जब आयरन पे जंग लगती है, तो इसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इतना समझ आ गया अब आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन। सो अब हम आगे पढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने पता ही होगा आपको। तो सम अदर मेटल्स भी है जो हैं ऐसे हो जाते हैं खराब, जैसे कि सिल्वर, कॉपर खराब हो जाते हैं जब इनको खुला छोड़ दिया जाता है। तो इनको सिंपल भाषा में जो आपकी, इसको जंग लगना कहते हैं। तो मैं ना, मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस जैसे कि मॉइस्चर या कोई एसिड रिएक्ट करता है इनके साथ, तो उसको कोरोड कहते हैं। एंड ये जो प्रोडक्ट है पूरा, इसको कोरोजन कहते हैं। तो एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर पे, एंड ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर पे। तो क्या होता है, कॉपर जो कई बड़े बड़े डैमेज कर देता है कोरोजन, जैसे कि कार की बॉडीज खराब हो जाती हैं खड़े खड़े। आपने देखा होगा आसपास बहुत सालों से कोई कार खड़ी होगी, वो जो है ना जंग लग जाती है, और बहुत समय तक लगी रही, और एकदम कोई बंदा उस पर हिट करेगा ना जोर से, तो उसके पीसेज हो जाएंगे कार की बॉडी के, अगर बहुत लंबी जंग है तो। इसको और भी अगर लंबी हो गई ना, तो पता है क्या होगा, तो वो पाउडर बन जाएगा, अगर कोई इसे छुएगा भी तो पाउडर बन जाएगा। सो आयरन रेल्स, ब्रिजेस खराब हो जाते हैं बड़े बड़े इस कोरोजन की वजह से। तो कोरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सालों गवर्नमेंट को हजारों का जो है बिल जोड़ना पड़ता है इस डैमेज्ड आयरन को रिप्लेस करने के लिए। तो ये था कोरोजन। अब पढ़ते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। तो हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयलिंग कंटेनिंग फूड मटेरियल? कभी आपने स्वाद लिया या आपने सूंघा होगा किसी फैट ऑयल कंटेन थिंग्स को बहुत लंबे समय तक जब वो रखे रहे? तो व्हेन फैट और ऑयल सब्सटेंस जो है इनको छोड़ दिया जाता है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे बिकम रेंसिड। ये रेंसिड टाइप के हो जाते हैं, इनकी स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है। तो यूजुअली सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो कि ऑक्सीडेशन को, इसको जिससे रेंसिडिटी ना हो, इनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाए जाते हैं, जो कि आपके फूड जैसे कि आपका फैट ऑयल कंटेनिंग फूड्स, इनमें डाल दिए जाते हैं ताकि ये खराब ना हो। तो डू यू नो, आप जानते हैं दैट जो चिप मैन्युफैक्चर है, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इसीलिए फ्लशी बैग्स का यूज़ करते हैं चिप्स के, जिसमें नाइट्रोजन गैस होती है जो कि आपकी ऑक्सीडाइज्ड होने से सब्सटेंस को बचाती है। सो ये आपके सभी टॉपिक्स थे। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, रेंसिडिटी, कोरोजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। तो एक क्विक रिकैप है आपका, तो एक बार इसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कोई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, उनके फिजिकल स्टेट्स, ये सिम्बॉलिक होता है। एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इसे बैलेंस्ड इसीलिए किया जा सकता है सो दैट जो नंबर ऑफ एटम्स है टाइप्स के इनके, वो रिएक्ट करें और सेम आए। ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, इसमें टू और मोर सब्सटेंस जो है फॉर्म होते हैं और एक न्यू सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपोजिट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन? तो इसलिए होता है, वहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलके एक बनाते हैं, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन चुका होता है उससे वो दोबारा से छोटे छोटे सिंपलर प्रोडक्ट्स जो है वो उसकी फॉर्म में आ जाता है। तो रिएक्शंस जिसमें हीट मिले, that are called exothermic reactions in which heat is given out along with product is called exothermic reaction, while reaction in which heat energy is absorbed, जिसमें energy ले ली जाए, वो कहलाते हैं endothermic। तो when एक element displace करता है एक और element को उसके compound से, तो ये कहलाता है displacement reaction। वहीं जब दो या दो से ज़्यादा जो है एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रेसिपिटेशन, जब कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट बचता है उसके साथ।
पाउडर की फॉर्म में होते हैं, वाइट पाउडर, येलो पाउडरी फॉर्म, इस तरह से। तो रिएक्शंस ऑल्सो इन्वॉल्व, किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है गेन या लॉस होना ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का बाय सब्सटेंस। तो ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का लॉस हो, वहीं रिडक्शन वो होता है जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन का और गेन ऑफ हाइड्रोजन का। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं पूरे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इनको हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जिनमें पूरी टर्म है। सो ये थे आपका चैप्टर जो आपने पढ़ा। अभी यहाँ पे कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, फिर देन आपके कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चंस हैं, फिर देन बैलेंसिंग के साथ साथ कुछ टाइप्स भी हैं आपके, की टाइप भी बताओ, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, देन कुछ रिटर्न वाले क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर में ज़्यादातर आपके रिटर्न नहीं है, ज़्यादातर एमसीक्यू फॉर्म में एंड बैलेंसिंग फॉर्म में, पर आपको रिटर्न वाले भी करने हैं, जैसे कि इस टाइप की, इस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ सकता है, जिसमें वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आउट टेक्स्ट पे, कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं आपके जो कि गिवन है, आपको ये भी जो है सॉल्व करने हैं। सो मैं अगली वीडियो में इनको सॉल्यूशंस के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर भी कर लेना है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पहला, क्या नाम, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यहाँ पे ख़त्म होता है एक थॉट के साथ, फैक्ट्स आर नॉट साइंस, कि फैक्ट्स जो हैं वो साइंस नहीं है, एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर, क्योंकि डिक्शनरी से लिटरेचर नहीं बनती, इसीलिए इसे हमें पढ़ना है, समझना है, देन उन फैक्ट्स क्यों है वो मतलब समझने हैं फैक्ट्स के। तो इसी तरह से फैक्ट्स पे ही साइंस निर्भर नहीं है, फैक्ट्स क्यों हैं, किस लिए और उनके पीछे का रीज़न क्या है वो भी निर्भर करता है। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है मार्टिन एच फिशर के द्वारा। तो यहाँ पे ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ख़त्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था। तो अब हम मिलेंगे आगे की इसी तरह के बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स के संग बच्चों, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।